अभी हम खड़े हैं सीहोर जिला के पूर्णिया प्रखंड क्षेत्र के दोस्तिया पंचायत में, जहाँ पे बाढ़ है, बारिश के द्वारा जो है अनेकों तबाही मचाया गया है। हम कैमरा मैन को बोलना चाहते हैं, जहाँ दिखाया जाए नदी के सिंह को, जहाँ पे जो कि फसल जो है क्षतिग्रस्त किया गया है, जहाँ पे अनेकों फसल क्षतिग्रस्त हो गया है बाढ़ बारिश के कारण जो है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए पुल ढह गया, ये पुल ढहा तो लगा कि वो घर को गिरा देगा। इसमें कम से कम 250-300 लोग मिलकर इसको बना गया। इसमें 300-400 बोरा इसमें माटी डलवाए, उसमें ईंटा का टुकड़ी डलवाए 20-30 टेलर, उसके बाद इसमें सारा लोग से ये चदरा बनवाए। मैंने विकराल रूप धारण किया हुआ था कि कब गांव को बहा के लेके चला जाए। अंचल अधिकारी से आपने बात किया? अंचल अधिकारी से बात किए, एक बार बड़ा बाबू तो देखने आए, 7 बजे से लेके 11 बजे तक बैठे हुए थे, लेकिन सीओ साहब को देखने तक फुर्सत नहीं मिला है। ना उपलब्ध कराया गया? ना उपलब्ध, अभी तक हम मांग अभी तक मांग कर रहे हैं, लेकिन एक भी नाव हमारे पंचायत में नहीं। कम्युनिकेट किसे? खाना सर मैडम? खाना वाना कुछ नहीं, सब माझी मुसहर राम पासवान को स्कूल में रखे हुए हैं, वो लोग का घर डूब गया है। आपका नाम क्या हुआ? कुमारी देवी। आपका घर हुआ? हाँ। पानी आया हुआ? किस चीज का पानी है? जी मैडम बताइए, किनका घर है और क्या है स्थिति? लावन दास का एक घर है सर। जी देखिए इसमें पूरा फैमिली का चूल्हा पानी है, उनका खाना पीना सब बंद है, घर सब गिर गया है। एक परिवार नहीं है जी, ऐसे मेरे गांव में कितने लोग का घर में। इनका भोजन कहाँ बन रहा है? चूल्हा चौका जो खराब दूसरे के घर में बन रहा है जी, वहाँ पर वो भी बड़ी दिक्कत है, तो सबको दिक्कत है। आप लाठी क्यों लिए हुए? हम लाठी लिए कि उसमें डाढ़ भर पानी है, ऐसे डाढ़ नहीं पड़ी, इसको नहीं जाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में सामुदायिक किचन चलवा दें जी, और उसके बाद जो राहत का जो सुविधा है वो हमारे पूरे पंचायत को दिया जाए जी। कम से अब इसमें कुछ टोला ऐसा है जो अभी जलमग्न है जी। अभी हम दोस्तिया के सोना टोला, बेलवा टोला और 6 नंबर वार्ड के स्कूल में उसमें उनका भोजन, उनका भोजन हम अपने तरफ से दिलवा रहे हैं। अभी समुदाय किचन तो सीओ साहब की तरह चला नहीं है, वो दे नहीं रहे, फोन करते हैं तो कभी फोन उठाते हैं, कभी फोन तक स्विच ऑफ कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? ये आपका घर है? हाँ। अरे पानी घुसा हुआ था, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? चौकी पर रहा है, वही पर देखे तो छीते छीते वही चौकी पर रही हूँ जी। देखिए अब तो आपसे आँख से देख रहा है, सारा लोग किचन फूस का था बैठ गया है, मिट्टी का था, गिलाव पर लोग बनाया था और सब बैठ गया है, तो देखिए खाना बना बना के मचान गाड़ के। शिवहर ब्यूरो अरुण कुमार साह के साथ हरिकांत प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तियां उत्तरी खेरा पहाड़ी सोनवा गाची बेलवा टोला की बरसात व बाढ़ से दयनीय स्थिति। मुखिया प्रतिमा देवी ने अंचल अधिकारी पर आरोप लगाया कि अब तक पंचायत की सुध नहीं ली गई। जिला शिवहर में मूसलाधार बारिश व बाढ़ के कारण घरों में पानी घुसने पर दयनीय स्थिति तो बनी ही हुई है, वहीं पूरनहिया प्रखंड क्षेत्र के दोस्तियां उत्तरी पंचायत के पीड़ित ग्रामीणों ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं उपलब्ध होने पर ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया प्रतिमा देवी से शिकायत करते हुए शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। खेरा पहाड़ी निवासी रजनीश राय उर्फ पिंटू, प्रेम महतो, संतोष कुमार यादव, श्याम चंद्र मिश्रा, मनमोहन मिश्रा सहित बरसात व बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया प्रतिमा देवी को बताया है कि बारिश और बाढ़ के कारण सोनवा गाची टोला वार्ड नंबर 1 जहां लगभग 300 की आबादी है तथा बेलवा टोला टोला वार्ड नंबर 4 एवं वार्ड नंबर 3 जहां तकरीबन 500 के आसपास की आबादी है, पानी से अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है।
स्थानीय मुखिया प्रतिमा देवी ने निरीक्षण करते हुए बताया है कि यहां से दर्जनों लोगों को निकालकर दोस्तियां मध्य विद्यालय में रखा गया है तथा मुखिया स्तर से भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं घरों में चूल्हे चौके तक में पानी घुस गया है, इस कारण पड़ोसियों के घर में घर खाना बनाया जा रहा है। वहीं बहुत से घर के लोग बांध पर जाकर आश्रय लिया हुआ है, उसके घरों में पानी घुस गया है जिस कारण की स्थिति बदतर है।